हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने नए वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर शेयर्स के 10 बाद वाला चैप्टर है। समझ लो कि जैसा शेयर है उसका बड़ा भाई है या छोटा भाई समझ लो। मैं तो कहूंगा बड़ा भाई समझ लो, ज्यादा बेटर है क्योंकि बड़े भैया है। अब समझो यहाँ पे कि अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, तो अगर ये हमें समझना है कि डिबेंचर्स की अकाउंटिंग यानी कि एंट्रीज कैसे करते हैं, उसके पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में डिबेंचर होता क्या है। तो मैं ये समझाना चाहूंगा कि देखो, जब होता क्या है कि जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पब्लिक से पैसे मांगते हैं। पब्लिक से पैसे मांगते हैं ना, जो भी हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पैसे पब्लिक से मांगते हैं एज अ शेयर। क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो शेयर्स है आप वो परचेस कर लो और उसके बदले में हमें पैसे दे दो। और वो क्या करते हैं, वो ऐसा ही करते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स लेते हैं और हमारी कंपनी के रियल ओनर बन जाते हैं या यूं कहो कि मालिक बन जाते हैं। ठीक है, फिर अपना हम काम स्टार्ट कर देते हैं। काम स्टार्ट हो गया, बिजनेस चलने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि कहानी अभी बाकी है। तो वही है इसका भी स्टोरी कि यहां से तो असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जब हम एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब है ना मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होता है, काम बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे हमें पैसे की और रिक्वायरमेंट होने लगती है। फिर एक लेवल के बाद ऐसा होता है कि हमें सबसे सब पैसे की बहुत जरूरत होती है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें अभी पैसे तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लोगों के पास जाके पैसे मांगेंगे, यही करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, नया तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो है डिबेंचर का। यानी कि हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे पैसे भी मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप पैसे मुझे एज अ डिबेंचर परचेस करके दो, यानी कि आप हमारी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लो, आप लीगली हमारी कंपनी के क्रेडिटर या लायबिलिटी बन जाओ। समझ रहे हैं, मतलब क्या होगा, नॉर्मली भी हम पैसे मांग सकते हैं लेकिन इसमें बेनिफिट ये होता है कि भाई जैसे शेयर से वैसे डिबेंचर दोनों जैसे दिखते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि टाइम लिमिट होता है हर चीज, और सामने वाले को भी लगता है कि हाँ सिक्योर ज्यादा है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमें जब जरूरत होती है पैसों की तो हम ये करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं और हमारी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे हम लोग डिबेंचर बोलते हैं वो हम उन्हें दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से भी स्टार्ट होगा डिबेंचर का। ओके, शेयर्स और डिबेंचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो शेयर्स की अकाउंटिंग होती है, एंट्रीज होती है, ऑलमोस्ट वैसा ही डिबेंचर का भी होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शेयर्स की जो हम एंट्री करते हैं वो एज अ कैपिटल मान के, एज अ ओनरशिप का अमाउंट मान के करते हैं, लेकिन जो डिबेंचर की है वो एज अ लायबिलिटी मान के करते हैं। मतलब ये कंपनी की लायबिलिटी है, हमें उस चीज को माइंड में रख के आगे काम करना होता है। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन समझो या सिंपल मतलब कि भाई समझाने की कोशिश की डिबेंचर क्या होता है वो देखो, फिर मैं आगे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेट। मतलब ये है कि एक तरह का ये डॉक्यूमेंट ही होता है कि जो ये बता रहा है कि भाई, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज समझ सकते हो आप लोग, कि एक तरह का दस्तावेज ही होता है जो हमें ये बता रहा है कि हाँ भाई हमने आपसे पैसे लिए हैं और आप हमारे कंपनी के क्रेडिटर बन गए हो। लिखा हुआ है ना एक्नॉलेजिंग अ डेट, समझ में आया। फिर आगे क्या लिखा है, द ईच हैज द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट अ रेट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यू। मतलब कि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है, समझ में। देखो शेयर्स में क्या होता है, बेनिफिट हुआ तो हमारा, नहीं हुआ तो करे भाई बैठो फिर। लेकिन शेयर्स ये डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है, बेनिफिट हो या ना हो पैसे तो मिलने वाले हैं, सिक्योर्ड है भाई। उधार दिया है आपको, लोन दिया है, आप पैसे हमें दोगे। लेकिन शेयर्स में क्या होता है, ऑनर बन गए हो ना, ऑनर को क्या है भाई, पैसे बचे तो आपके, नहीं बचे तो फिर आप वेट करो नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी, क्या याद रखनी है कि इसमें जो रेट होता है वो क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, समझ में आया, वो फिक्स होता है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट वो हम उनको पे कर देते हैं। मतलब इंटरेस्ट तो हम एवरी ईयर पे करते हैं या सिक्स मंथ, डिपेंड करता है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सिक्स मंथ्स में भी पे कर सकते हैं और 12 मंथ्स में भी पे कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमें वापस करनी है, समझ में आया। इसीलिए डिबेंचर जो होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है। लोग जैसे भाई जिनको ये होता है कि भाई हमें एक फिक्स इनकम मिलती रहनी चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं
बेनिफिट कमाने के लिए है तो भाई वो शेयर्स में करते हैं, लेकिन जिनको फिक्स इनकम चाहिए होती है वो डिबेंचर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है और एवरी मंथ कह सकते हो यार जैसे कंपनी देती है 6 मंथ के 12 मंथ के बेस पे वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा डिबेंचर का डेफिनेशन। अगर इसके बारे में कुछ और समझना है तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये तरह का कंपनी का जो होता है वो डेट अमाउंट होता है और जो देने वाले लोग होते हैं यानी जिन लोगों ने डिबेंचर परचेस किया हुआ है वो कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं और हम उन्हें उसी तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, शेयर्स में क्या होते हैं वो लोग कंपनी के ओनर बनते हैं और इसमें क्या है वो लोग कंपनी के लायबिलिटी बनते हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? मैं कुछ चीजें और आपको समझाता हूँ, कुछ चीजें और बताता हूँ जिससे आपको इसके बारे में और स्पेसिफिक आइडिया मिलता रहेगा। ओके, ठीक है, तो आप ध्यान देते रहो और इसको एक बार नोट करना चाहता हूँ इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डिबेंचर के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको पता होना चाहिए। इससे बेनिफिट हमें क्या होगा कि जब हम डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्लियर आइडिया लगेगा कि शेयर और डिबेंचर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और डिबेंचर हम जब इश्यू करते हैं तो उस टाइम हमें क्या चीजें माइंड में रखनी होती है या डिबेंचर के क्वेश्चन सोल्व करते तब क्या दिमाग में रखना होता है, थ्योरीज पढ़ते तब क्या दिमाग में रखना होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आपको जब ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं और वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन उनमें इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ठीक है ये पॉइंट हमने कभी पढ़ा तो है। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट का लिखा हुआ इट्स वन टाइप ऑफ लोन। मैंने पहले ही कहा था डेफिनेशन के टाइम ही और स्टार्ट किया तभी मैंने कहा कि जो डिबेंचर होता है ये एक तरह का लोन होता है। लोन का मतलब ये है कि हम लोगों से पैसे उधार मांगते हैं एज अ डेट और सामने वाले इसीलिए तो वो क्रेडिटर बन जाता है, इसीलिए तो वो लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि अगर लोन नहीं होता तो लायबिलिटी नहीं बनता। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड लिखा है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं उस टाइम पर ये डिसाइड हो जाता है कि आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ मिलेगा। तो डिबेंचर इश्यू करते हैं ना तो वहां पे साइड में से लिखा रहता है 8% डिबेंचर। इसका मतलब क्या है कि जो डिबेंचर है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है 8%। और ये कब डिसाइड हो जाता है जब हम इश्यू करने वाले होते हैं उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि भाई डिबेंचर की रेट है वो 8% रहने वाली है। क्लियर हुआ इतना? फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिक्स टर्म। फिक्स टर्म का मतलब है ये रिडेम्पशन का टाइम होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि एट व्हाट टाइम दे विल रिडीम योर अमाउंट, मतलब कि वो कितने टाइम के बाद आपका अमाउंट जो है वो रिडीम करने वाले हैं यानी जो कंपनी है वो कितने टाइम तक आपके पैसे लेके रखने वाले हैं। ठीक है, ये रिडेम्पशन टर्म होता है और ये भी जब डिबेंचर इश्यू करते हैं उसी टाइम में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉट मोर देन 10 ईयर्स बट इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 10 to 30 years। ऐसा मैंने बताया है फिक्स टर्म वाला। अभी देखो मन में सवाल तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे कि अगर फिक्स टर्म है तो कितना फिक्स टर्म होना चाहिए या कितना फिक्स टर्म है, व्हाट तो यूज कर दिया भाई फिक्स टर्म है भाई डिबेंचर का फिक्स टर्म होता है बट कितना होता है। तो याद ये रखना है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने हमें क्या कहा है कि भाई अब 10 साल तक के लिए डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर एक और हमें बेनिफिट दिया कि अगर आपका काम इंफ्रास्ट्रक्चर का है ठीक है आप 10 to 30 years तक इश्यू कर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं। यानी क्या याद रखना है अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो 10 years और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो तो 10 to 30 years। सिंपल, क्लियर? नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है चार्ज ऑन एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं ना तो कई बार जो हमारे सामने वाले क्रेडिटर्स होते हैं या जो हमें पैसे देने वाले हैं वो अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होते या उन्हें डाउट होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है हम पैसे दे देंगे लेकिन आप हमारे पास मॉर्गेज क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो मॉर्गेज करके हम देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट मॉर्गेज के होते हैं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है चार्ज ऑन एसेट्स। क्लियर हुआ इतना? समझ में? नेक्स्ट देखो कन्वर्टेड इन टू शेयर्स। ये एक बेनिफिट डिबेंचर वालों को अच्छा मिलता है कि जब मन किया था वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब ये है कि जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई शेयर्स में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो वो जब चाहे तब अपना जो डिबेंचर्स है वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि उनके पास जो शेयर्स उनके पास जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होने चाहिए। वो आपको मैं आगे समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर ये टाइप का डिबेंचर है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा नो वोटिंग राइट्स।
डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता क्योंकि वो कौन है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को हम ये राइट्स नहीं देते हैं, जो कंपनी के ऑनर्स है यानी शेयर होल्डर्स उनको ये राइट है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी फॉरफिटेड, ये बढ़िया बेनिफिट है, अगर आप डिबेंचर का पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे हो कंपनी वालों को तो कंपनी जो है वो आपका डिबेंचर फॉरफिट नहीं कर सकते। शेयर्स में ये था कि अगर आपने कॉल पे नहीं किया है तो वो लोग क्या कर देते, फॉरफिट कर लेते थे, पर यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, हैव राइट टू गेट मनी बिफोर शेयर होल्डर्स, ये एक बेनिफिट होता है कि आपको इंटरेस्ट भी उनसे पहले मिलेगा और आपके पैसे रिटर्न भी उनसे पहले मिलेंगे। अब मान लो कि हमारी जो कंपनी है वो बंद होने वाली है, कंपनी क्लोज हो गई, लॉस चल रहा था पूरा, आज कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, सब हो गया, तो आज कंपनी हम बंद कर रहे हैं। अगर कंपनी बंद कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अमाउंट लोगों को पे कर दे जिनका बाकी रहता है, तो इन लोगों को ये एक बेनिफिट होता है कि इन लोगों को सबसे पहले पैसे मिल जाते हैं, यानी हमारे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे पहले पैसे इन लोगों को मिल जाते हैं, इसीलिए ये इनका एक बेनिफिट है कि भाई हमको जो है पैसे वो शेयर होल्डर से पहले मिल जाते हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, ये बेसिक पॉइंट्स याद रखना, ओके क्लियर, इतना चलो आगे देखते हैं। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे मैंने सारे टाइप समझा दिए हैं जो जो टाइप होते हैं डिबेंचर के, एक एक करके हम समझते हैं, ये समझोगे तो आप डिबेंचर के बारे में और नॉलेज आपको मिलता जाएगा। इससे पहला मैंने लिखा है ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, आपको याद होगा जब मैंने पहले ही समझाया कि जो डिबेंचर होता है उसको कई बार मॉर्गेज करके भी ले सकते हैं, राइट, तो वही है यहाँ पे, पहला बोला है सिक्योर, दूसरा बोला है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब या सिक्योर समझो या मॉर्गेज लोन समझो, दोनों एक ही है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं ना तो उसपे हम फ्लोटिंग चार्ज लगा देते हैं। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि देखो सामने वाले को हो सकता है भाई आप पे भरोसा ना हो, तो हमें भरोसा जितने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो है नहीं हम उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हम क्या करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनको भरोसा हो जाए, तो हम क्या करते हैं अपने एसेट्स को फ्लोटिंग चार्ज एज अ फ्लोटिंग चार्ज उसको मॉर्गेज कर देते हैं। मतलब ये है कि अगर हम टाइम पर पैसे नहीं चुका पाए, सपोज कर लो कि अगर हम टाइम पर पैसे नहीं चुका पाए तो वो लोग क्या करेंगे हमारे एसेट को बेच देंगे, सेल कर देंगे और उससे जो भी अमाउंट होगी वो रिकवर कर लेंगे, अपना सिक्योरिटी हो गई ना उनको, समझ में आया, क्लियर है। तो सिक्योर डिबेंचर का मतलब ये है कि फ्लोटिंग एज अ फ्लोटिंग चार्ज हम एसेट्स पे मॉर्गेज कर दें और अगर इनकेस हम अमाउंट पे नहीं कर पाते तो वो लोग क्या करेंगे आपका एसेट लेके सेल कर देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है अनसिक्योर, जस्ट अपोजिट, इसमें कोई ऐसा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो लेना हो तो लो नहीं तो मत लो, सिंपल, ओके। सिक्योर में आपको मॉर्गेज फ्लोटिंग चार्ज के तौर पर भी मिल जाएगा, अगर नहीं पैसे पे करते हैं तो आप सेल कर सकते हो, अनसिक्योर में ये फैसिलिटी नहीं है, ओके। नेक्स्ट है आपका एस पर नेगोशिएबिलिटी, इसमें है रजिस्टर्ड और बेयरर, रजिस्टर्ड और बेयरर का मतलब क्या है, नेगोशिएबिलिटी का मतलब ये है कि देखो कई बार ऐसा होता है जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं ना तो उसको रजिस्टर्ड कराने का मतलब ये है कि आपका नाम, आपने कितने डिबेंचर परचेस किए हैं, कौन से डिबेंचर परचेस किए हैं, सब कुछ उनके रजिस्टर्ड में लिखा रहेगा और जब भी इंटरेस्ट की डेट आएगी आपके पास इंटरेस्ट पहुंच जाएगा, यानी आप उनके रियल डिबेंचर होल्डर हो इसलिए, ठीक है। लेकिन जो बेरर है उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेरर का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ये एक तरह का नोट की टाइप होता है, मतलब तो जिसके पास पैसा वो उसका, मेरे पास है तो आज मेरा, तुम्हारे पास है तो कल तुम्हारा, ठीक है। मतलब इनमें कुछ ऐसी रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी का नाम नहीं लिखा था, बस एक कूपन होता है, वो कूपन जिसके पास उसका पैसा, जिसके पास कूपन उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है बेरर। या आप लोग इसको सिंपल समझते हैं कि नोट की तरह भी होता है, नॉर्मल जो हमारी नोट करेंसी होती है ना उसकी तरह, ठीक है। इसमें मेन याद ये रखना कि इसमें कूपन होता है साथ में और वो कूपन जिस बंदे के पास होगा वो बंदा जाके कंपनी से इंटरेस्ट ले सकता है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है एज पर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, इसमें दो है रिडीमेबल और ई रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या, एक फिक्स टाइम के बाद आपको रिडीम कर देंगे और ई रिडीमेबल जब तक कंपनी है तब तक आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे, ओके। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब मैंने क्या कहा था कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं अगर हम चाहें तो उनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी हमारी हमें जब लगे कि भाई हाँ शेयर्स में ज्यादा बेनिफिट है हम उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसमें भी इन्होंने दो बताया, एक कन्वर्टिबिलिटी और एक नॉन कन्वर्ट, मतलब एक कन्वर्ट करवा सकते हो और एक कन्वर्ट नहीं करवा सकते। और कन्वर्ट वाले में भी उन्होंने दो चीजें बोली है, या तो आप अपना जो डिबेंचर है वो फुल्ली कन्वर्टेबल करवा सकते, यानी सारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लो, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है पार्टली, यानी एक ऑप्शन में ये फैसिलिटी दिया है कि आपके सारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके
कुछ लिमिटेड डिबेंचर्स की कन्वर्ट होंगे, बाकी की कन्वर्ट नहीं होंगे। समझ में आया? क्लियर है, सिंपल है, सिर्फ नाम भी याद रखोगे तो भी काफी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रजिस्टर बेयर, नाम से हमें ज्यादातर चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो आज का टॉपिक हमारा लिस्ट खत्म होता है। वीडियो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहो इसी, और इसी तरह मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा।